आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाने जा रही हूँ स्टैंडर्ड फोर्थ की इंग्लिश पोएम टाइम फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैं पोएम शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊँगी। देखिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप अपनी क्लास में टॉपर आएँ। कैसे? तो बोलेंगे टीचर वो तो सब बोलते हैं कि क्या होता है बेटा टॉपर कौन बनता है? जो बुक को पढ़ लेता है, याद कर लेता है, पेपर में लिख के आ जाता है अच्छे से, वो टॉपर बनता है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उन्हीं बुकों को पढ़ के नहीं कर पा रहे हैं ना, टॉपर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोगों को डिफ़िकल्टी लग रही है, उस सारी डिफ़िकल्टी मैं आपकी दूर करूँगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ और आप उसमें से क्या समझ रहे हैं। उसको जो आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे कमेंट करें कि टीचर आपने जो ये समझाया था मुझे ये समझ में नहीं आया। लेकिन मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इजी तरीके से सिखाऊंगी, कितना भी हार्ड लेसन क्यों ना हो, लेकिन वो आपको जो लेसन है ना वो बहुत अच्छे से आ जाए, चाहे वो पोएम हो चाहे वो लेसन हो। क्योंकि जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि वो आपको पता नहीं होती है, कि आप मान के चलो हर कोई बताता नहीं है अपना सीक्रेट, बोलते हैं ना, तो जितने भी सीक्रेट है टॉपर बनने के लिए, ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊंगी, क्योंकि टॉपर बनना हर बच्चे का सपना होता है। तो ठीक है, अब मैं पोएम, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, अगर नहीं है तो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, तो उसके हिसाब से आप उसको देखते रहिए। पहले मैं रीड करती हूँ फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। There's a time to run and a time to walk. There's a time for silence, a time for talk. There's a time for work and a time for play. There's a time for sleep at the close of the day. There's a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and a time to sit. But see that the time and actions fit. देखो ये पोएम बहुत सिंपल है, मेरे सबसे तो बहुत बच्चों को ये चीज समझ में भी आ गई होगी, टीचर इसमें ऐसा है ही क्या, ठीक है। लेकिन लर्न करने की बारी आएगी तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, सब पोएम्स में तो ना ऐसे छोटे छोटे से ही लाइंस रहती है, इसमें तो बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं। हम देखेंगे इस यूनिट में और कौन सी अदर पोएम आने वाली है, हम तो वो याद करके जाएंगे। तो ये ना ऑप्शंस वाला सिस्टम बेटा मत रखो कि नहीं नहीं ये इसकी लाइंस लंबी है ना तो इसको हम लर्न नहीं करेंगे। वो जो छोटी छोटी आती है ना, हम देखो पहले इंडेक्स में देख लेते हैं कौन कौन सी पोएम आने वाली है, या टीचर पोर्शन में भी दे देती है तो टीचर बोलते कुछ नहीं तो एक ही याद करके हो, वो देखो वो भी क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है ना तो आपको सारी पोएम्स याद करनी है, ठीक है। ओरल में हो सकता है आप कोई दूसरी पोएम याद करके चले जाओ, आपको मार्क्स भी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये लाइंस आ गई आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में, तब आप क्या करेंगे? भले आपने ओरल नहीं बोला, रिटन में तो लिख के आएंगे ना, वो कब लिखेंगे? जब आपने लर्न की होगी। तो आपको जब भी कोई चीज हार्ड लग रही है ना, पहले आप सोचो वो हार्ड क्यों लग रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप बोलो टीचर मैं तो सोचता हूँ लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप मान के चलो वो रास्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये लाइन्स है ना लंबी लंबी लग रही है आपको, लेकिन इसकी भी छोटी सी ट्रिक है, बहुत सिंपल है। एक लाइन आपको याद रखनी है, देखो दैट्स अ देयर्स अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू वॉक, देयर्स अ टाइम फॉर, बाद में जाओगे देखो स्टार्टिंग में सिर्फ टू याद रखना, बाद में ना फॉर 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 इतना ही जाएगा, लास्ट की तीन लाइन अलग है जैसे हम नॉर्मली हर पोएम में करते हैं। तो ये जो बीच की जो चार लाइन दिख रही है ना, तो इससे डरना नहीं है, स्टार्टिंग में टू याद रखो, बाद में फोर 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 यही चीज आ रही है, तो आपको ये लाइन लंबी नहीं लगेगी। बाकी तो उन्होंने बीच में देयर इज अ टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले, आप बोलते भी जाओगे ना दो तीन बार, एक बार रीड करके देखो, लर्न के हिसाब से मत पढ़ो, सिर्फ रीड करके देखोगे ना तो जब आप बोलने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहूँ। देयर इज अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू वॉक एंड अ टाइम अ टाइम अ टाइम, बाद में सेम सेम जाएगा, सिर्फ यहाँ पे टू फॉर 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 ऑफ है, उसको वो मत डरो, पहले स्टार्टिंग का पॉइंट पकड़ो। देयर्स अ टाइम टू रन, देयर्स अ टाइम फॉर साइलेंस, देयर अ टाइम फॉर वॉक, देयर्स अ टाइम फॉर स्लीप, एक बार फ्लुएंट हुआ ना तो आपको पोएम अच्छे से आ जाएगी, चाहे आप ओरल में बोल के आओ चाहे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। पहला मैंने एक चीज बोलते ना सीक्रेट आपको बता दिया, कि खुद भी है ना ये छोटी छोटी चीजें होती बेटा, देख के डरो मत, खुद भी तो थोड़ा सोचो कि इसमें से हम क्या वर्ड इधर उधर हुआ है, वो अगर आपको पता चल गया ना तो आपको ये पोएम हार्ड नहीं लगेगी। और मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये वीडियो होने के बाद में मैं होप करती हूँ कि आप ये पोएम है ना जल्दी से जल्दी लर्न करेंगे। अगर आप में से जो ये वीडियो देख रहा है लर्न हो गई है तो भी कमेंट करो कि मिस मैंने पहले से लर्न कर ली है, नहीं करी है तो मैं देखती हूँ मेरे वीडियो के बाद में आपने वीडियो, सच में बताना ये वीडियो देखने के कितने दिन में आपने ये पोएम याद की, क्या आपको एक दिन ही लगा या आपको दो दिन लगे, या फिर रियली में देखा जाए ना तो बेटा ये हाफ एन आवर है। अगर टॉपर बनना है ना ये हाफ एन आवर में पोएम लर्न होनी चाहिए, तो ये खुद आप जज करो, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग है कोई बात नहीं, लेकिन लर्न जरूर करो।
आप मेरे चैनल पे जुड़े रहोगे तो मैं इस तरीके से आपसे पूछते रहूंगी। आप खुद भी देखना कि हाँ टीचर ने तो बोल दिया हाफ एन आवर में लर्न हो जाएगी, पहले आप समझ लोगे तो आपको इजी हो जाएगी और जो मैंने बताया उस हिसाब से आप लर्न करो। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये हाफ एन आवर में आपको लर्न हुई या नहीं। लर्न करते समय ये याद रखना कि ये है ना कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, ये भी साथ के साथ याद रखना, क्योंकि लर्न तो आपने कर ली। अगर लिखने की बारी आई फिर अगर आपने कॉमा नहीं डाला है ना और फुल स्टॉप नहीं लिखा फिर आपके मार्क्स चले जाएंगे, फिर बोलते ना पीछे हो जाएंगे। पोएम लर्न करने के हिसाब से, ओरल के हिसाब से आपने लर्न किया ओके, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर राइटिंग में आया तो हमें याद होना चाहिए कॉमा कब था, फुल स्टॉप कब था, वो सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, देयर्स अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू वॉक। ठीक है, देखो इनका सिंपल चीज है, देखो कि हर चीज के लिए है ना आदमी के पास टाइम होता है। ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें उसमें मेंशन की है, सारी चीज तो मेंशन नहीं कर सकते हैं। देखो रन, और हम बच्चों की वही सिखा रहे तो बच्चों के लिए बताएं, रन तो हम स्कूल हो, घर हो, थोड़ा सा बोलते हैं ना बाहर घूमने जाएं, बच्चों का भागना शुरू और पेरेंट्स को टेंशन शुरू कि नहीं अरे भागो मत गिर जाओगे लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, हर तरफ है ना मतलब भागने की कोशिश मत करो हमेशा। इसमें मैं बोल रही ना कि आपको कोई भी चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगी, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा आपको बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि रन, देखो रन मतलब भागना, ये आपको भी मालूम है ना, आप हमेशा भागते रहते हैं। पहली बात तो बेटा सेफ्टी से भागो। ठीक है, और हमेशा ना अपने पेरेंट्स के साथ में, अभी अगर आप बोलते हैं ना बिल्डिंग में खेल रहे हैं या कहीं खेलने गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स साथ में आप बाहर गए हो इतनी दूरी पे भागो या इतनी दूरी पे बोलते हैं ना आप रहो घूमो कि आपके पेरेंट्स की आवाज़ आपको सुनाई दे दे। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं घूमने गए खुला ग्राउंड है और आपने भागना शुरू, मम्मी इधर तो पत्थर नहीं है ना, इधर तो एकदम अच्छा लग रहा है, इधर कहीं कोई टेंशन नहीं, गाड़ी नहीं आने वाली, चलो भागना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है बेटा बाहर बाहर है, सेफ्टी नहीं है। हमेशा हमेशा दिमाग में ना ये रखो कि पेरेंट्स की आवाज़ वहाँ तक जा सके, आप पेरेंट्स तक आ सको या पेरेंट्स आप तक पहुँच सके, इतना दूर भी मत हो ज़्यादा भाग भाग के ना, जैसे बीचेस में जाते हो गार्डन में जाते हो और बच्चे भागते पेरेंट्स देखते हैं तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, देयर इज अ टाइम फॉर रन, भागने का भी समय है लेकिन दिमाग से भागो। आप अगर टीचर, ये तो लेसन का नाम ही था टाइम फॉर एवरीथिंग, आपने भागने को बोला अभी कुछ काम नहीं है, हम गार्डन में गए ना वो मट्टी लगी है ना गाड़ी आने वाली है, हमने भागना शुरू कर दिया। हर चीज के लिए टाइम है लेकिन ये भी देखो कि आगे पीछे ना सिचुएशन क्या है। ठीक है, देखो एंड टाइम टू वॉक, अभी वॉक अगर बोलें मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, वॉक का टाइम क्या है, सही टाइम क्या है वॉक का। मॉर्निंग वॉक तो वो हो गया कि मानो जिनको थोड़ा सा पतला होना है, ठीक है उनके लिए हो गया, लेकिन हम बच्चों के लिए वॉक का टाइमिंग सही मायनों में क्या है, हम स्कूल जाते हैं बाय बस हो बाय बाइक हो या हम बाय वॉक करके भी स्कूल जा रहे हैं, वो एक अलग हो गया, वो तो हमारा इंटेंशन है कि हमें स्कूल पहुंचना है या फिर हमें स्कूल से घर आना है। सही मायनों में आपका टाइम टू वॉक क्या होना चाहिए कि आपने जब खाना खा लिया, ठीक है आपने लंच किया डिनर के बाद में थोड़ा वॉक करना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे दिन का ना माइंड में चल रहा होता है कि टीचर ने क्या सिखाया था, मेरा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, आज मैंने ट्यूशन का ये किया नहीं किया, कल मुझे क्या प्रोजेक्ट ले जाना है। तो आप जब वॉक करते हो ना फ्री माइंड से तो आपका फूड तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा, खाना तो आपको पच ही जाएगा, आपका माइंड भी क्या होगा रिलैक्स हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, खाना खाया बर्तन मम्मी लेगी तो ठीक है, अगर आपके घर में रूल्स है कि नहीं अपने बर्तन खुद ही उठाने तो अच्छी बात है, अब वो होना भी चाहिए कि अपना खाना आपने खाया तो अपने बर्तन आप खुद रख के आओ, ठीक है सिंक में किचन में। ठीक है, तो उसके बाद आपको ना थोड़ा वॉक करना चाहिए, चाहे वो घर में ही करो, अगर आपके यहाँ फैसिलिटी है बिल्डिंग में नीचे सेफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को आप जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप अपने घर पे वॉक करो। तो वॉक के दौरान क्या होगा, आपका फूड डाइजेस्ट भी होगा और आपका माइंड भी कूल डाउन होगा कि नहीं अभी मैंने सुबह तक क्या सीखा, अगर आप लंच के बाद वॉक कर रहे हो ठीक है या डिनर में कि कल मुझे क्या करना है, तो वॉक करना भी जरूरी है। तो देयर इज अ टाइम फॉर वॉक, देयर इज अ टाइम फॉर साइलेंस एंड अ टाइम फॉर टॉक। देखो शांत रहने के लिए भी समय है, ठीक है, तो शांत आदमी को कब रहना चाहिए, सही मायनों में कि अगर आप जब भगवान को पूजा कर रहे हैं या कोई प्रेयर कर रहा है, आप किसी के यहाँ गए और आपने देखा कि पूजा हो रही है, अगर मानो आप बोलो टीचर हम तो पूजा नहीं कर रहे तो हम बोले तो सामने वाला कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं, पूजा हो रही है ना किधर भी आप गए हो, कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो आपको है ना शांत रहना चाहिए, चाहे आप खुद करो चाहे आप किसी के यहाँ पे जाओ, ठीक है। एंड अ टाइम फॉर टॉक, देखो यस अभी हम तो हम हमेशा बोलते रहेंगे, बड़बड़ चालू ही रहती है हमारी, चाहे वो स्कूल में हो घर में हो फ्रेंड्स हो रोड पे हो हम कोई भी हो, ठीक है ना, बच्चे हो लेडीज हो जेंट्स हो बोलते रहते हैं, लेकिन टाइम फॉर टॉक रियल में कहाँ पे देखा जाए तो होना चाहिए कि जब आप किसी के पार्टीज में जाते हो, जो मानी को बर्थडे पार्टीज में गए किसी फंक्शन में गए, तो नॉर्मली क्या होता है ना कुछ कुछ बच्चे अच्छे से ड्रेसअप हो गए, सामने वाला बात भी करने आता है, ऑल बे टू हेलो, तो
ऐसे शांत बैठ जाते हैं तो सामने वाला तो अवॉइड नहीं करेगा, और ऐसे स्माइल देखे ना आपको चला जाता है। तो उस टाइम पे है ना गेट टुगेदर में आपको बात करना आना चाहिए, क्योंकि देखो सब चीज़ें है ना आप पढ़ाई लिखाई से नहीं सीख सकते हो, इंसानों से मिलते हैं ना तो भी प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिलती है। तो जब इसीलिए बोला अ टाइम फॉर टॉक, यानी कि जब आप किसी फंक्शन में जाओ, बर्थडे पार्टीज में जाओ, ये नहीं कि वो सामने से बात नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे, ये ईगो वाला सिस्टम है। सामने वाले ने स्माइल किया, आपने स्माइल किया, आपको लग रहा है वो आपको बात करना चाह रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, तो आपको बात करना चाहिए। वो क्या आपसे बात करेगा, आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप किसके बच्चे हो, आपके पापा, कोई कोई मस्ती में रहता थोड़ा डिटेल में बात करता है, नहीं तो कोई नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे शांत बैठे, मम्मी बोलती आती ना वहां जाके कोई मस्ती नहीं करेगा, शांत बैठना है। तो शांत बैठना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके वहां पे ना किसी से गेट टुगेदर नहीं करेंगे, मीन्स बोलते ना बात नहीं करेंगे, एकदम शांत अपनी दुनिया में अलग। किसी ने मानो बर्थडे पार्टी में गए, केक वेक दिया लिया, ऐसा शांत बैठ गए, ऐसा नहीं। स्माइल, ओके थैंक यू आंटी, कुछ लोग नो थैंक, अच्छा लगा, हाँ आंटी जब वापस आओगे, यस आंटी। तो टाइम फॉर टॉक, आपको वो टॉक के लिए टाइम है। देयर इज अ टाइम फॉर वर्क एंड अ टाइम फॉर प्ले, यस। अब आप लोगों के लिए वर्क क्या है, हम जैसों के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वर्क किया कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा दिन तो शूट करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, मेरे पास भी अलग अलग वर्क है। एट प्रेजेंट मेरा टाइम क्या है कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों का इस टाइम पे वर्क क्या, आप वीडियो देख रहे हैं कि आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे सबके लिए ना वर्क अलग अलग है, टाइम के लिए अलग अलग है। आप पूरा दिन तो नहीं स्कूल में रहते हैं, ना पूरा दिन घर पे रहते हैं, तो कोई भी आप काम करते हैं उसके लिए टाइम होता है, ठीक है। और एंड टाइम फॉर प्ले, यस, वो तो हमारा नहीं भी रहता तो हम होमवर्क हो कुछ भी हो थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है, होता है कभी कभी, मैं ना नहीं बोलूंगी इस चीज को, लेकिन आप पहले अपना वर्क कंप्लीट करो फिर आप खेलो। खेलने के लिए पेरेंट्स कभी ना नहीं बोलते, देखो हर पेरेंट्स ना यही चाहता है कि उसका बच्चा है ना खुश रहे, मस्त रहे, है ना। और आपको लगता रहेगा ना हम पढ़ रहे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा हमें भी ये होता है कि ना आप पढ़ते हो तो आगे फ्यूचर है, लेकिन आपको नहीं पता जितना आपको खेलने में मजा आता है ना, हम पेरेंट्स को है ना आपको खेलते हुए देखते में मजा आता है कि चलो यार खुश है, इसके लिए अभी ये चीज से इंडोर गेम से खुश है ना, अब एक और इंडोर गेम ऐसी कोई अलग लेके आएंगे, या आउटडोर में हम आपको खेलते हुए देखते हैं ना तो हमको भी बहुत खुशी होती है, आप खेल रहे होते हो, लेकिन एज ए पेरेंट्स में ना हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। आपको लगता है अभी बोला मम्मी बोलती है नहीं नहीं पहले पढ़ो पढ़ो, क्योंकि वो हमें फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है बेटा, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो कुछ आगे होगा नहीं। तो इस बात को आप याद रखो, हर चीज को एक टाइम दो। ये जो लेसन है ना वो क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो अभी आप क्या है प्राइमरी के स्टूडेंट हो, अभी आप फिफ्थ में जाओगे तो आप सेकेंडरी के स्टूडेंट हो जाओगे, यानी आप बड़े हो जाओगे। प्राइमरी का मान के चलो फोर्थ की लास्ट क्लास है, राइट, आप सेकेंडरी में जाओगे, इसलिए धीरे धीरे आपको ऐसे लेसन दिए जाते हैं, आपका माइंड डेवलप किया जाता है कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाए, ठीक है। There's a time for sleep at the close of day. Yes. देखो सोने के लिए भी एक समय दिया गया है, क्या रात को, नॉर्मली कोई कोई दोपहर में भी सोता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 5 o'clock को उठते हैं, कोई कोई 6 o'clock को उठता है, स्कूल में पूरा दिन पढ़ के आते हैं थकान हो जाती है तो सोते भी है, कोई कोई बच्चे नहीं सोते तो वो बोलते हैं ना जल्दी रात को सो जाते हैं 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन कोई कोई कैसा होता है दोपहर में सोते हैं फिर फ्रेश माइंड करके उठते हैं फिर पढ़ते हैं फिर वो रात को थोड़ा सा 10-11 बजे के आसपास सोते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दिन खत्म होने आता है, यानी आपका बोलते हैं ना पूरे दिन का वर्क कंप्लीट हो गया, चाहे ट्यूशन का हो, स्कूल का हो, पापा के लिए बाहर काम का हो, मम्मी के लिए घर का काम हो, रात हुई तो सबके लिए सोने का समय है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू। देखो अभी यहाँ पे इन्होंने किस किस का बता दिया, रन वॉक साइलेंस टॉक वर्क प्ले स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे, है ना। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू। अब देखो आप कोई भी काम करते हो ना हर चीज के लिए टाइम है, नहाते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, सारे दिन एक जैसे तो नहीं होते ना, तो वो इतना सारा तो आपको लेंदी नहीं करके देंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक लाइन लिख दिया, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे लाइन है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू, यानी आप पूरे दिन में जो भी काम करते हो, आज नहीं हुआ मानो शॉपिंग करने गए तो आप भी जाते हो ना पेरेंट्स के साथ में, या हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, या हम कहीं बोलते ना घूमने के लिए जाते हैं, तो हर चीज के लिए टाइम है, आज नहीं है तो कल है, लेकिन है। फॉर चिल्ड्रंस एंड ग्रोन अप्स टू, ये देखो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बोली, बच्चों के लिए भी अपना टाइम होता है काम का, और ग्रोन अप्स मतलब बड़ों के लिए भी, हम जैसों के लिए भी एक एक टाइम दिया गया है कि नहीं इस टाइम पे हमें खाना ही बनाना है, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, इस टाइम पे हमें पढ़ाना है, इस टाइम पे हमें ये काम करना है, ठीक है, इस टाइम पे हमें क्लीनिंग करनी है, ऐसा। अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सिट। देखो अभी टाइम होता है एक खड़े होने का और एक बैठने का, तो आप सोचोगे ये क्या मतलब हुआ, तो आप सोच के देखो हमको सही करेक्ट टाइम क्या स्टैंड अप होने का। हम तो बोले टीचर ऐसा कोई टाइम थोड़ी नहीं होता है, अभी हमें कुछ याद आ जाएगा तो हम खड़े हो जाएंगे,
या हम अभी खड़े हमारे पैर दुख रहे तो हम बैठेंगे, नहीं बेटा, वो जो पोएम वाले बताना चाह रहे हैं ना उसको बारीकी से समझो। अ टाइम टू स्टैंड अप एंड अ टाइम टू सिट। देखो स्टैंड अप का सबसे बेस्ट क्या है कि अपने से आप कहीं बैठे हो मानो, ठीक है, आप कहीं बैठे हो, आपसे बड़े कोई आ गए तो आपका बोलते ना फर्ज क्या बनता है कि आपको खड़े होके उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे आप उनके नमस्ते करो हाथ जोड़ के, चाहे पैर छुओ या हेलो करो, जो आपके यहाँ पे रिवाज हो उसका करो। सही टाइम सिट का क्या है कि क्लास में है ना शांति से बैठो, जब टीचर सिखा रही है ना तो उसको समझो। अदर एग्जांपल्स आपके पास भी हैं तो आप कमेंट करो कि टीचर आपने इतना बताया ना तो मैंने और ऐसा सोचा। अ टाइम टू सिट ये हो सकता है, अ टाइम टू स्टैंड अप ये हो सकता है। तो मैंने आपको कोई बोल रही हूँ, मैं आपको बारीकी से सिखाऊंगी। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ ये क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, आपको आ रहा है समझ में और आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, आप कमेंट करो कि टीचर इसमें ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है। बट सी दैट द टाइम एंड एक्शन फिट। यस, ये देखो इससे पहले ही मैंने ये बोला कि आपको है ना टाइम तो हो गया कि हाँ आपने जो समझाया टीचर वो हमने समझ लिया, लर्न भी कर लिया, लिखना भी आ गया और आपसे हमने समझ भी लिया कि कब क्या करना है। लेकिन बट सी देखो यहाँ पे लॉजिक लगाना दिमाग में कि कहाँ खड़े होना है, कहाँ बैठना है, सोच तो लिया, टाइम और एक्शन फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने बोला वो कर लिया, वहां पे सिचुएशन क्या है। अभी आपने देखा कि गार्डन है, आपने चल दिया और आपने रन करना शुरू कर दिया। आप नीचे भी देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कोई कोई चीज ना एकदम बोलते ना प्लेन दिखती है, आप गए और गिर गए अचानक से, वहां थोड़ा सा अभी जैसे बरसात का टाइम चल रहा है, गीला है और आप गिर गए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आप टाइम और एक्शन आपके फिट होने चाहिए, ठीक है, टाइम्स और एक्शन आपके फिट होने चाहिए, इस तरीके से आपको ये चीज समझाई गई है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हार्ड है, सिर्फ आपको ये पोएम लर्न करनी है। स्टार्टिंग की है ना 4-5 लाइंस देख के है ना आप लोग डरना नहीं कि ये पोएम में तो छोटी छोटी लाइन आती है, ये पोएम दिखने में छोटी है लेकिन लाइंस बड़ी है। तो ये पोएम एकदम सिंपल है, 2-3 बार आप पहले रीड करो, आपको खुद भी शॉर्टकट समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, स्टार्टिंग में 2 है, बाद में 4-4 लगा के करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।